Gentlemen, there will be no more withdrawals. Sam is here. आपको इस देश को हर खतरे से बचाना है, आपको जीतने के लिए लड़ना होगा। यहां हारे हुए लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। अगर तुम हार गए तो वापस मत आना, अगर आप आएंगे आपके देश को आप फिर शर्मसार करेंगे। आपके गांव, आपके शहर, यहां तक आपकी पत्नी भी आपका सम्मान नहीं करेगी। रवीली मूंछ और हर बात में तपाक से स्मार्ट सा जवाब देने वाले भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जिन्होंने पाकिस्तान में इतनी करारी शिकस्त दी थी कि डेढ़ दशक तक वो चू भी नहीं कर पाया था। जनरल मानेकशॉ जैसे सेना प्रमुख हिंदुस्तान तो क्या दुनिया में कहीं नहीं है। देश की आजादी के बाद अभी तक शौर्य साहस की जितनी कहानियां सुनी और सुनाई जाती है उनमें फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की वीर गाथा सबसे अलग है। बताया जाता है कि एक बार उन्होंने पे कमीशन के अफसरों के साथ मीटिंग बुलाई, क्योंकि उस समय पे कमीशन ने सैनिक की वर्दी के लिए मिलने वाले फंड में कटौती करने का फैसला लिया था। मानेकशॉ ने उस मीटिंग में कहा कि महोदय, आप मुझे बताएं कि अगर मैं धोती कुर्ता पहनकर आदेश दूं तो क्या कोई मेरा आदेश मानेगा। और इस बात के बाद सारा मुद्दा हल हो गया। मानेकशॉ इंदिरा गांधी के साथ मजाक करने के लिए भी मशहूर थे। लोग इंदिरा गांधी से बात करने में डरते थे, मगर सैम उन्हें स्वीटी कहकर बुलाते थे। 1971 की लड़ाई के लिए जब इंदिरा ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा तैयार हूं स्वीटी। इंदिरा अपने हिसाब से लड़ाई शुरू करना चाहती थी। मानेकशॉ ने उन्हें कह दिया कि वो इस्तीफा भेज देंगे, लेकिन बिना तैयारी के वो जंग शुरू नहीं करेंगे। सैम मानेकशॉ भारत के पहले फील्ड मार्शल थे, लेकिन यहां तक पहुंचने का उनका सफर बहुत ही दिलचस्प रहा। अमृतसर में पला बड़ा एक पारसी बच्चा पापा की तरह डॉक्टर बनना चाहता था, इसीलिए वो लंदन जाना चाहता था, क्योंकि उसके दो भाई पहले से ही वहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। पापा ने कहा कि तुम अभी बहुत छोटे हो। इस बात से गुस्सा होकर सैम ने इंडियन मिलिट्री में शामिल होने के लिए फॉर्म भर दिया। उनका चयन भी हो गया, मेरिट लिस्ट में छठे नंबर पे भी आए वो। यहां से शुरू हुआ सैम का करियर। दूसरे वर्ल्ड वॉर से लेकर भारत की आजादी, बंटवारा, भारत चीन युद्ध के बाद भारत पाकिस्तान युद्ध खत्म हुआ। 1992 में बर्मा में जापानियों के खिलाफ सितंग बेस की लड़ाई में सैम मानेकशॉ को 9 गोलियां लगी थी। सैम की मृत्यु हो जाती है। यदि वफादार सिख अर्दली सिपाही शेर सिंह उन्हें उठाकर डॉक्टरों के पास ले जाकर उनका इलाज ना करवाया होता। ऑस्ट्रेलियन सर्जन ने शुरू में सैम को ऑपरेशन करने से मना कर दिया, क्योंकि उनके बचने की संभावना बहुत कम थी। ये देखकर एक सैनिक ने डॉक्टर पर राइफल तान दी और कहा कि मेरे साहब का हुक्म है, जब तक जान बाकी है तब तक लड़ते रहो, यदि तुमने इलाज नहीं किया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जान जाती देख डॉक्टर ने इलाज शुरू किया। जब सैम को होश आया, सर्जन ने पूछा कि उन्हें क्या हुआ था, तो सैम ने उत्तर दिया, एक खूनी खच्चर ने मुझे लात मार दिया था। फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ या सैम बहादुर एक बेजोड़ व्यक्तित्व थे और उनकी वीरता हर किसी को प्रभावित करती है। 40 साल से अधिक के करियर में मानेकशॉ ने 5 युद्ध देखे। स्वतंत्रता के बाद भारत ने कई लड़ाइयां लड़ी, लेकिन केवल एक ही निर्णायक था, जो पाकिस्तान के खिलाफ 1971 का युद्ध था। अंजाम ये रहा कि 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान के 90,000 से ज्यादा सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और पाकिस्तान का नक्शा ही बदल गया। मानेकशॉ के व्यक्तित्व में आत्मविश्वास वीरता का मेल था। वे स्वतंत्र भारत के बेहतरीन सैन्य अफसरों में से एक थे। दोस्तों, मानेकशॉ के वीरता पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा।